दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो हम दोनों भाई गए हुए थे मनाली, कल शाम को पहुँच गए। हमारी ट्रिप थी कितने दिन की? चार दिन की। फ्राइडे को गए थे हम यहाँ से, सुबह चले थे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, कल शाम को हम जो है वापस घर आ गए। अब क्या है, हम घर से फिर जा रहे हैं एक घर, मतलब हमारे घर राजस्थान जो है होम टाउन जा रहे हैं। तो अभी हम गुड़गांव में खड़े हैं। तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मनाली गुड़गांव से गए और मनाली गए आए कितना खर्चा हुआ, चार्जिंग का क्या खर्चा हुआ, रुकने का क्या खर्चा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या खर्चा हुआ, फास्टैग वगैरह का क्या खर्चा हुआ, खाने पीने का कैसा कुछ माहौल है, सारी चीज़ें बताएंगे वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई बता दो कैसा रहा अपना ट्रिप? शानदार, मजे आए। ट्रिप शानदार था। अभी बाकी चीज़ें चलते हुए बताएंगे आपको, एक एक चीज़ें बताएंगे। वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी देख रहे हो क्या हाल हो रखा है गाड़ी का? पूरी जो ट्रिप से आए हैं तो ऐसा है। अब घर पे जाके जैसे बताया था वहीं पे जाके साफ़ सफाई करेंगे। देख रहे हो आप पूरा बड़ी गंदी सी होती है। तो मैं बताऊँ आपको, देखो हम गए थे गुड़गांव से मनाली। अब मनाली गुड़गांव से स्टार्ट होने से पहले हम पहले दिन आए अपने होम टाउन से गुड़गांव, ठीक है। ज़रूरी नहीं हम गुड़गांव आते, हम सीधा चंडीगढ़ भी जा सकते थे, बट हम गुड़गांव आए। गुड़गांव में हमने एक दिन स्टे किया आराम से, फिर हम गुड़गांव से मनाली निकले। तो हमने क्या किया गुड़गांव से, अब स्टार्ट किया। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग के लिए हमने गुड़गांव पे घर पे चार्ज की, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। वहाँ पे क्या है, 83% हमारी गाड़ी जो है चार्ज हुई हुई थी। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया चार्जिंग, नेक्स्ट स्टॉप तक पहुँचे हम 168 किलोमीटर तक पहुँचे हम 48% बैटरी में। और वहाँ पे जो हमारी बैटरी रिमेनिंग रह गई थी 35%, और वहाँ पे हमने करनाल के अंदर चार्जर से चार्जिंग कर ली थी, जो है SG करनाल करके एक जगह है, वहाँ पे हमने चार्जिंग की थी। तो वहाँ पे साथ में चार्जिंग भी की थी, साथ में वहाँ पे जिलमिल ढाबा है उस पे खाना भी खाया था। तो चार्जिंग की जो हमारी कॉस्ट आई थी वहाँ पे हमने 35% से 100% चार्ज की थी, पूरी बैटरी चार्ज कर ली थी, ठीक है। घर पे क्या हुआ था कि हम लेट हो रहे थे, इसलिए हमने 83% से स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने जो है वहाँ पे जाके 100% कर ली और झीलमिल ढाबे पे हमने खाना खाया। तो यहाँ पे जो हमारी चार्जिंग की कॉस्ट आई थी सबसे पहले वो आई थी 600 रुपये। स्टेटिक का चार्जर था, सुपरफास्ट चार्जर था, 1 घंटा लगा था हमें। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो है, वो चैनल पे है कि कहाँ कहाँ चार्जिंग की, कैसे कैसे रुके, ठीक है। ये एक समराइज व्यू है उसका। तो सबसे पहली चार्जिंग हमने की थी SG करनाल ढाबे पे स्टेटिक के चार्जर से, 1 घंटे का टाइम लगा था, 600 रुपये लगे थे। और वहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो है खाना जब हम खाया था 400 रुपये हमारे खाने के लगे थे, ठीक है। तो चार्जिंग कॉस्ट 600 रुपये, 400 रुपये खाने की कॉस्ट, 1 घंटा टाइम, 100% हो गया SG करनाल पे। फिर हम वहाँ से करनाल से चार्जिंग करके फुल चार्ज करके फिर हम निकले नेक्स्ट चार्जर पे। नेक्स्ट चार्जर जो था भरतगढ़ था, भरतगढ़ है चंडीगढ़ से आगे निकलने के बाद में। वहाँ पे हम जब तक पहुँचे वो था 170 किलोमीटर, मतलब करनाल से 170 किलोमीटर टोटल हम चल चुके थे जब तक, 340 किलोमीटर करनाल से वो था 170 किलोमीटर। तो वहाँ तक हमने जब पहुँचे तो वहाँ तक हमारी बैटरी जो है कंज्यूम हुई थी 50% अगेन कंज्यूम हुई थी, मतलब 50% बच गई थी हमारी बैटरी। तो वहाँ पे हमने जब चार्जिंग की जियो के चार्जर से, 50 से 100 हमने चार्ज की, 1 घंटा वहाँ पे लगा, ठीक है। पहले स्टेटिक वाले पे 35 से 100 की 1 घंटा लगा, इस पे भी हमने 50 से 100 की 1 घंटा लगा। यहाँ पे जो है चार्जिंग की कॉस्ट आई हमारी 400 रुपये, और फिर यहाँ पे हमने जो है खाना पीना किया, खाना नहीं खाया था सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चाय पी थी और थोड़ा अपना कुछ काम वाम कर लिया था। तो 1 घंटे का टाइम था, यहाँ पे भी हमारा लग गया, 2 घंटे लग गए चार्जिंग के अंदर हमारे जाते हुए, ठीक है। और अभी तक कॉस्ट कितनी है, 600 रुपये पहले चार्ज किए और 400 रुपये अभी चार्ज किए, और एक टी ब्रेक ले लिया हमने वहाँ पे, ठीक है। 340 किलोमीटर चल चुके। फिर हमने नेक्स्ट जो चार्ज किया वो था हमारा नेर चौक के पास में, मंडी के अगल बगल चार्जर था, एक नेर चौक है मंडी से जस्ट बगल में, वहाँ पे हमने चार्जिंग की। वहाँ पे जो है एक प्राइवेट चार्जर था किसी भाई का, वहाँ पे हमने चार्ज की। जब तक वहाँ पे चार्ज की नेक्स्ट स्टेशन पे, तो हमारी बैटरी क्या हुई, 100 से 70% पे आ गई थी, मतलब हमने जो है 90 किलोमीटर और ट्रेवल कर लिया। पहले हमने 340 किया, फिर 90 किलोमीटर के आसपास हमने और ट्रेवल कर लिया। तो 432 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद में हमने चार्जिंग की, जो हमारी 70% जहाँ पे बैटरी कंज्यूम हुई थी उसको हमने फिर चार्ज किया 90% तक, एज ए सेफ साइड, मतलब 20% हमने और चार्ज कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो प्राइवेट चार्जर था, उसने 20% के हमसे ले लिए थे 250 रुपये,
ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक हमारी चार्जिंग की कॉस्ट कितनी आ गई, 600 रुपये चार्ज किया हमने पहला, दूसरा चार्ज किया 400 रुपये का, तीसरा चार्ज किया हमने 250 रुपये का। पहला चार्ज किया हमने करनाल में, दूसरा चार्जर किया हमने भरतगढ़ में, तीसरा चार्ज किया हमने नेट चौक में। ई फिल का चार्जर था, डीसी चार्जर था 15 किलोवाट का, उससे चार्ज किया। तो वहाँ पर हमारा आधे घंटे का टाइम लगा, 20% हमने चार्ज की, तो 1250 रुपये हमारी चार्जिंग की कॉस्ट आ गई। हमने यहाँ पर कुछ चाय वाय कुछ नहीं पी, ठीक है। फिर हम यहाँ से डायरेक्ट जो है 90% होगी बैटरी, 432 किलोमीटर हम मॉर्निंग से चल चुके थे, यहाँ से डायरेक्टली हमने मनाली जो है पहुँच गए। मनाली में जब हम पहुँचे, अब क्या हुआ कि हमने 90% चार्ज करके जब मनाली पहुँचे, मनाली यहाँ से था 120 किलोमीटर, तो मनाली तक पहुँचे तो हमारी जो बैटरी है वो 30% रह गई थी, मतलब 60% बैटरी कंज्यूम हो गई थी हमारी, ठीक है। तो 30% में मनाली पहुँच गए और हमारा जो है 560 किलोमीटर का टोटल जो है कवर हुआ गुड़गांव से लेके मनाली तक का। तो मनाली हम पहुँचे, वहाँ पे हमने रुके, जहाँ जिस भी होटल में रुके, होटल था जो होटल था उसको आप देख लेना दूसरे वीडियो में, ठीक है। बेगा बॉयज करके एक होटल है, वहाँ पे हम रुके, वहाँ पे उन्होंने हमें चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी थी। तो मनाली तक पहुँचने में हमें 1250 रुपये चार्जिंग की कॉस्ट लगी और लगभग जो है 500 रुपये के आसपास हमारा खाना और चाय का खर्चा लगा था। और हमारा जो सुबह हम 7 बजे निकले थे, रात को 11 बजे हम पहुंचे थे, क्योंकि जो नेर चौक के बाद में जो ट्रैक है वो थोड़ा सा ऐसे स्नेक टाइप से बनाते हुए जाता है, बड़ा ख़तरनाक वाला रास्ता था, तो वहाँ पे हमारी जो टाइम कंज्यूम हो गया और अपील था तो वहाँ पे बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम हुई। बट हमने जो लास्ट जो मनाली तक पहुँचने में हमारा 120 किलोमीटर था वो 60% में हमने कवर किया, मतलब 2% पर किलोमीटर, और पहले वाला जो था वो हमने 3% पर किलोमीटर से भी ज़्यादा का रेंज निकाली थी। जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाते जाओगे आपकी रेंज है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो हम मनाली पहुँचे पहले दिन 1250 रुपये में विद 60% बैटरी के साथ हम मनाली पहुँच गए 560 किलोमीटर की ट्रेवल करने के बाद में। वहाँ पर हमने होटल में स्टे किया, ठीक है। तो पहले दिन का 1250 का कॉस्ट आ गया, खाने का 500 रुपये आ गया, प्लस वहाँ पे रात को खाना भी खाया हमने, हाँ 401 रुपये का वो खाने का और ऐड कर लो, वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना मनाली के अंदर जाओगे तो आप वहाँ पे बहुत ही बेकार खाना मिलता है, मैदे की रोटी है, हमारे साइड के लोगों को सेट नहीं बैठती है। उसके बाद हमने मनाली में रूम लिए, हमने जो था 632 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से जो आता है ना अपना बेड वाला, वो वाला हमने रूम लिया जिसके अंदर अपने शेयरिंग बेड्स होते हैं। तो वो 2 दिन के लिए हमें 2400 रुपये का वो रूम मिला और वहाँ पे विद चार्जिंग हमारी जो है फैसिलिटी देते हैं, जो हम इधर उधर जाके आके शाम को चार्ज लगा देते हैं। तो 2 लोग 2 दिन के लिए 2400 रुपये में उन्होंने हमें 2 वो बेड दे दिए थे, शेयरिंग में जिसमें बेड आते हैं अपने वो दे दिए थे, साथ में हमें चार्जिंग की फैसिलिटी दे दी थी। तो वहाँ पर हम रुके 2 दिन तक, हमारा चार्जिंग का कोई कॉस्ट नहीं लगी मनाली, हम ऊपर गए आए जो भी किया हमने कोई कॉस्ट नहीं लगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है मनाली पहुंच के एक चीज़, और मनाली पहुंचने के बाद में आपको 2 चीज़ें लगेगी। एक, हिमाचल में जब एंट्री करोगे आप तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, और जब आप मनाली में एंट्री करोगे तो आपको आपको 200 रुपये का ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, ये भी एक कॉस्ट हमारी है। तो चार्जिंग कॉस्ट थी 1250 रुपये, 200 रुपये ग्रीन टेस्ट और 50 रुपये हिमाचल में एंट्री, 1450 रुपये आपके लगने ही लगने हैं। इसके अलावा फास्टैग जो है आपका जितना लगना है, मेरे हिसाब से 6-7 फास्टैग आए थे, हमारा फास्टैग लगता नहीं है इसलिए फास्टैग को मैं साइड में कर देता हूँ, बट लगभग 500 रुपये के आसपास एस्टिमेट एक साइड का फास्टैग का लग जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे हम रुके, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, उसके पता नहीं क्या 600-700 रुपये के आसपास उसके लग गए। रिटर्न किया हमने, रिटर्न करते हुए हमने क्या किया, हमने अपने हॉस्टल से फुल चार्ज करके रिटर्न किया। रिटर्न करते समय हमने हमटा पास पे गए थे और वहाँ पे सेतन वैली गए थे, तो वहाँ पे जैसे ही हम अपील पे चढ़े तो वहाँ पे बैटरी जो है कंज्यूम होती गई हमारी 1 किलोमीटर 1% के हिसाब से, बट जैसे ही हम डाउन ही लाए तो हमारी बैटरी फिर जो है चार्ज होगी। और ऐसे करते करते और हम वहाँ से हमटा पास सेतन वैली होते हुए फिर वापस हम आ गए मंडी। जब हम मंडी तक आए वापस तो वहाँ पे हमने हमारी बैटरी लगभग 30% के आसपास हमारी बैटरी बची थी, तो हम 30% हमारी बैटरी बची थी। हमने वहाँ पे क्या किया, एक होटल लिया मंडी के अंदर, क्योंकि रात हो गई थी तो होटल लिया हमने थर्ड डे। वहाँ पे क्या किया हमने 800 रुपये होटल के दिए, कमरा लिया हमें और साथ में उसमें चार्जिंग फैसिलिटी भी थी, तो वहाँ पे भी हमें चार्जिंग का कुछ भी नहीं देना पड़ा। अब क्या है, वहाँ पे होटल लिया, खाना हमने वहाँ पे किसी दोस्त के यहाँ पे खा लिया था, ठीक है, तो वहाँ पे खाने का भी हमें नहीं देना पड़ा, ठीक है। फिर वहाँ से हमने होटल से फुल गाड़ी चार्ज की और हम आए पानीपत तक। पानीपत पे आने के बाद में हमने, जब पानीपत आए तो हमारी बैटरी जो है मंडी से लेके पानीपत है 312 किलोमीटर एग्जैक्टली, वहाँ तक हम आए
बिना नॉन स्टॉप गाड़ी को लिए दो तीन बार चाय जरूर पी थी। गाड़ी को लेके हम सीधा आए 312 किलोमीटर करने के बाद में भी हमारे पास 12% बैटरी बची थी। इसका रीज़न था ये डाउन हिल आते आते जो ईवी बैटरी का ईवी गाड़ी का यही फायदा है कि डाउन हिल में हमेशा पावर जो है कम कंज्यूम होती है, बड़ी कॉन्स्टेंटली चलाई 106-107 किलोवाट पर आवर जो है अपनी वॉट आवर पर किलोमीटर हमारी जो है बैटरी कंज्यूम हुई। तो हमने 88% में 312 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर हमने वहाँ पे आके चार्ज किया जियो के चार्जर से। अगेन जो है ढाबा था वैष्णो ढाबा कुछ करके था, धर्म ढाबा था, वहाँ पे हमने गाड़ी जो है चार्ज की। अगेन जो है हमारी 312 किलोमीटर चल के आ गए थे हम मंडी से, ठीक है, आते हुए टोल टैक्स फिर नहीं लगा हमारा, उसको फिर हम साइड में कर देते हैं। फिर आए हम वहाँ पे, हमने चार्ज की 12% से लेकर 90% तक, जिसकी हमारी कॉस्ट थी 621 रुपये हमारी कॉस्ट गई है, और 1 घंटा 10 मिनट के आसपास यहाँ पे लगा। यहाँ पे हमने खाना भी खाया, खाने की हमारी कॉस्ट थी यहाँ पे ओवरऑल 500 रुपये, खाना और चाय दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। फिर हमने वहाँ से फिर स्टार्ट किया 314 किलोमीटर से, और हम जो है घर पे पहुँचे। घर पे पहुँचते हमें जो है फिर 560 किलोमीटर या 70 किलोमीटर के आसपास हमारा जो है लग गया। तो ऐसे करके हमारा टोटल जो है ओवरऑल कैलकुलेशन आया, हमारी गाड़ी जो है गुड़गांव से मनाली, मनाली से वापस गुड़गांव, विद मनाली का जो एरिया है सेतन वैली है, हमटा पास है, सोलांग वैली है, वो हमने कवर किया। तो इसमें हमारी जो टोटल चार्जिंग की कॉस्ट हम कैलकुलेट करें ना, तो 1250 रुपये जाते हुए और 620 रुपये आते हुए हमारी चार्जिंग की कॉस्ट लगी है। तो टोटल चार्जिंग की कॉस्ट 1800 रुपये के आसपास हमारी चार्जिंग की कॉस्ट लगी है। इसके अलावा अगर हमें खाने की बात करें तो हमारा खाने का मोटा मोटा 2000 से लेकर 2500 के आसपास का हमारा जितना भी खाने का है टोटल वो खर्चा आया है। और इसके बाद में जो हमारा एंट्री फीस वगैरह है वो 400-500 रुपये एंट्री फीस है। हमटा पास में गए हम, वहाँ पे एक स्पेशल परमिट बनता है 200 रुपये का, तो ऐसे करके हमारा जो है उसका 400-500 रुपये उसका हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें क्या रह गया अब हमारा चार्जिंग कॉस्ट, मैंने आपको बता दी। रुकने की कॉस्ट, हाँ 3200 रुपये हमारे रुकने के लगे कि हम जो है वहाँ पे हम 3 दिन रुक रखे, 2 दिन तक मंडी मनाली में, 1 दिन मंडी में। तो मनाली में हमारा 1200 रुपये, 1200-1224 रुपये मनाली का था और 800 रुपये मंडी का था, ठीक है। तो हमारा इतना इतने लगा रुकने में 3200 रुपये, 3200 रुपये रुकने में 1800 से 2000 रुपये हमारा चार्जिंग कॉस्ट लगी, 500 रुपये हमारा एंट्री जो पास बनते हैं वो लगे, ये था टोटल, और खाने का 2500 रुपये के आसपास लगा। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो हमारा जो है लगभग 7500 के आसपास हमारी ट्रिप रही, जिसमें हमारा सारा कुछ आ गया। और साथ में 2 बंदे थे हम, 3 होते 4 होते तो वो अलग बात, हम 2 ही बंदे थे, बिना कोई प्लान के हम गए थे ऐसे कि चल चलते हैं, और प्लग शेयर वगैरह से हम जो है चार्जिंग वगैरह देखते हुए आगे चले गए। और हमारी बढ़िया ट्रिप हुई, अटल टनल बंद हो गया था, स्नोफॉल था इसलिए अटल टनल बंद हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, हमारे पास जो है मतलब एक्सटेंशन था एक बना हुआ, ऐसे कोई वो स्पेसिफिक नहीं था, मैंने घर पर ही एक्सटेंशन बना रखा था जिसके अंदर हम पावर प्लग लगा दें, और बढ़िया वाला मोटा वाला वायर था तो उससे हमने लगा दिया। तो अगर आप मनाली वगैरह जाते हो तो एक एक्सटेंशन ज़रूर लेके जाना, आपको होटल वगैरह पे कहीं पे भी मना नहीं करते हैं चार्जिंग के लिए, जितना मैंने चेक किया था। मेरी जो डिटेल में वीडियो कहाँ कहाँ चार्जिंग की वो आप जो है देख लेना, जिसमें पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाया है ये मेरी लोकेशन है, यहाँ पे मैंने चार्ज की, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई कॉस्ट वगैरह लगती नहीं, हिमाचल में बिजली बहुत सस्ती है। बट क्या है, आपको अपनी एक्सटेंशन केबल जरूर साथ में लेके जानी है, अर्थिंग का जो होता है वो एक जरूर साथ में लेके जाना है, और कुछ नहीं जाना। खाने पीने का वहाँ पे बड़ा ख़राब माहौल है, मैगी वगैरह है और खाना मैदा वगैरह है, अजीब सा रहता है। तो ये खाने का हो गया। चार्जिंग में बाकी रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं है, जियो के चार्जर है, स्टेटिक के चार्जर है, ग्लेडा के चार्जर है, टाटा के भी चार्जर है, बर्तगढ़ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं है। कि आगे आपको चार्जर थोड़े कम होते जाएंगे, बट आगे आप पहुंच भी जाओगे धीरे धीरे, उस पर भी काम चल रहा है, कंपनियाँ चार्जिंग जो है लगा रही है। तो ये सारा था हमारा मनाली, गुड़गांव से मनाली, मनाली से गुड़गांव 1220 किलोमीटर के आसपास की ट्रिप थी। इसमें हमारी 7500 रुपये कॉस्ट आई, बस बढ़िया इन्जॉय किया। ईवी की परफॉर्मेंस अल्टीमेट थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्नोफॉल हुई और हुई उसके अंदर जो है हमारी गाड़ी क्विकली जो है स्टार्ट भी हो गई थी, बढ़िया गाड़ी ने परफॉर्मेंस दी। हम इतनी ऊपर तक हमटा पास तक चले गए थे जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से जाती है, वहाँ पे गाड़ी चली गई थी, और वहाँ पे भी कहीं ऐसा नहीं कि गाड़ी को कहीं दबने फील हुआ है और हुआ, बढ़िया तरीके से चल गई, कहीं अटकती नहीं है, कहीं कुछ छोड़ नहीं है।
तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कितनी कॉस्ट लगी थी गुड़गांव टू मनाली, मनाली टू गुड़गांव, पूरा ओवरऑल ट्रिप का लगभग 7,000 के आसपास बना। मैं आपको जो चीज़ें होगी मेरे पास स्निप वगैरह होगी वो मैं आपको लगा दूंगा वीडियो के अंदर, नहीं हो तो आपको खुद से राइट अप करके देख लेना कि कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। डिटेल में वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और ब्लॉग जो है डिटेल में वीडियो वो जाके ज़रूर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।